बिग बॉस के घर में सबसे पहले फिनाले वीक में एंट्री पाने वाले थे संग्राम, लेकिन कम वोटों के कारण वो बन के रह गए थर्ड रनर अप। आप भी सुनिए दी अनएडिटेड एंड अनसेंसर्ड इंटरव्यू ऑफ संग्राम सिंह ऑन हिज बिग बॉस जर्नी। सबसे पहले तो ये आपके चेहरे से लग रहा है कि अफसोस तो बहुत हुआ आपको, क्योंकि उम्मीदें बहुत थी। मैं जैसे अपनी आम जिंदगी में मैं जैसे वहाँ रहा हूँ, इसी से ज्यादा अम्बल हूँ, मगर वहाँ पे अगर छोटी बात करूँ, 5-7 सप्ताह तुम चुप रहा, देखता रहा उनको क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, मगर टफन बहुत था। मगर मुझे लग रहा था कि मैंने इतना किया, इतनी कोशिश की है कि पब्लिक थोड़ा सा और प्यार देगी, और वाकई उन्होंने प्यार दिया, यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि आप जानते हैं कि पहलवान को इतने लोग फॉलो करते हैं, बाकी जैसे टीवी पर्सनैलिटी थी, इंटरटेनमेंट वाले थे, मगर जितना प्यार दिया सब ने बहुत है, मगर लग रहा था कि शायद मतलब 1-2 में तो आऊँगा। ऐसा तो नहीं जो एक तंगा आपके ऊपर लगा कि डगरना पर का बैगन आपको बोला गया, थाली पर का वो माइनस पॉइंट। लुक सेंटर, लुक सेंटर। अभी एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर अगर अब मान लो मैं किसी के लिए कुछ बोलता हूँ, आपके लिए कुछ बोला, कल वो दोनों दोस्त हैं, मैं उन दोनों के लिए बुरा हूँ। मैंने सलाम को पहले भी थी मैंने सबको कि यार ये आप गलत कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक नहीं। और वहाँ पे सारा झगड़ा मतलब आप सब समझते हैं कि वो अबली होता था कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो मास्ता था। मैं सोचता था यार पता नहीं, ये फिर 5 मिनट में फिर सारे दोस्त हो जाते थे, तो मैं देखता रहता था। तो फिर मेरे हिसाब से मैं सोचता था कि यार नॉर्मल सी बात है, जो है कर रहे हैं करने दो, अपनी एक सलाह देता था, फिर नॉर्मल बैठ जाता था। चलिए आप गौहर जीत गई हैं, क्या कहेंगे इस बारे में उनकी जीत को, वो आपको जायज़ लगती है कि उनका जीतना सही था? नहीं, गौहर जीती बिल्कुल डेफिनेटली डिजर्व कर रही थी, तो जीता जितने थे इसमें, यहाँ से बाहर से हम कुछ भी बोल सकते, मगर अंदर रहना काफ़ी टफ था। सच बताऊँ कि अंदर रहना हर एक मिनट काफ़ी टफ था, कभी कुछ हो रहा था, और रिश्ते वहाँ पे दोस्ती हर 15 मिनट में चेंज हो रहे थे। अब वो मेरा दोस्त है, दूसरा के अच्छा है, वो कर दिया, तीसरा क्यों कर दिया, चौथा क्यों कर दिया, और फिर जो मेरे दोस्त थे आधे से ज़्यादातर कैमरा होता है तेरी ये कर दूँगा, फिर दूसरी बार देखा तो बैठे हुए साथ में, मैं भी मतलब थोड़ा समझने का टाइम लगा। हाँ, और एक मैंने एक बात बोली थी उसमें कि आदमी ठोकर खाए ठाकुर बन नहीं जाता, स्टार्टिंग से मैं इनको समझने में लग गया। देख मुझे कहते थे, देख दोस्त बी पॉजिटिव करता रहा तो 3 से 4 सप्ताह तू चला जाएगा, मगर वो सारे चले गए, मैं लास्ट तक बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा अब तो जीत के ही आऊँगा। मगर कोई नहीं है, टॉप 4 में पहुँचा बड़ी बात है। जो सबसे मुझे अच्छा लगा उस गेम में, एरी अच्छी थी, काफ़ी फेयर खेली हो, एंड भी काफ़ी इंटरटेनर था, एजाज भी इंटरटेनर था, नो डाउट। बाकी गेम के हिसाब से जैसे थोड़ा बोलना, ये सब बातें करना, थोड़ा सा करना, वो गेम के हिसाब से था, और सब एक्टर हैं, उनको उतना करना भी चाहिए था मेरे हिसाब से जितना कर रहे थे। मैंने एक शो किया था सर्वाइवर, मैं सोचता था कि वो शो काफ़ी टफ है, मगर ये शो उससे ज़्यादा टफ था, टास्क के हिसाब से, या काफ़ी टास्क आए इसमें, एक डिब्बे वाला टास्क आया जिसमें बैठना था, जिसमें आप लू नहीं जा सकते, जिसमें आप पोटी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं, काफ़ी टफ टास्क थे, तो काफ़ी कुछ सीखा मेरे हिसाब से। इसका फ़ायदा और एक बार की ज़िंदगी में होना चाहिए, क्योंकि अब तो 5 दिन तो ऐसा लगा कोई फ़ोन कर रहा है, कोई नॉमिनेशन प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। 5 दिन तो ऐसा लगेगा, बाकी अच्छा लगा, काफ़ी थोड़ा वेट कम हुआ, और स्टार्टिंग में खाना बड़ा कम मिला, बाद में तो थोड़े फेस्टिवल आ गए, थोड़ा खाना मिला। ये बताइए, अब एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा पड़ाव आ गया है आपका, बाहर कोई इंतज़ार कर रही, संबंध स्पेशल, क्या आप शादी करेंगे? देखिए मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा एक कमिटेड पर्सन हूँ, मतलब लॉयल इंसान हूँ, जो कहता हूँ ना वो कोशिश करता हूँ कि वो करूँ। बिल्कुल पायल मेरे साथ में है और पायल के साथ में, मगर मैं भी दोस्त इतना बड़ा आदमी बना हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 साल में इतना बड़ा बन जाऊँ कि शादी कहने में 2 शब्द हैं, मगर शादी का बर्डन वाकई भारी है। कि जहाँ से मैं छोटे से गांव से मैंने अपना सफ़र तय किया कि मैं इतना करूँ कि मैं 10-20-50-100-1000-2000 बच्चों की रोजी रोटियाँ जरिया बन जाऊँ, और वही कोशिश कर रहा हूँ मैं आगे बढ़ने की। संग्राम, आपने कहा कि आप बड़े इंसान बनना चाहते हैं, आप बड़े इंसान हैं, लेकिन क्या लगता है कि जिस देश में क्रिकेट के क्रिकेटर्स को भगवान माना जाता है, उस जगह पे आप बिग बॉस जैसे शो में टॉप फाइनलिस्ट में पहुंचे, तो ये कहीं कहना गलत होगा कि किस क्रिकेटर्स को भगवान माना जाता है? लोग और भी स्पोर्ट्स देखते हैं, और शायद इस वजह से आपके फैंस ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। बिल्कुल, नो डाउट यार, आप सब थे। एक्चुअली क्रिकेटर के लिए मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि क्रिकेट वाले, मैं जब से सचिन जी से मिला यार, मैंने उनसे हम्बल इंसान कोई देखा नहीं अपनी ज़िंदगी में, मिला मैं उनसे, और उस दिन के बाद मैं मतलब क्रिकेट पहले मैं जानता नहीं था कि मतलब क्या कुछ है, कि 6 बॉल फेंक रहे हैं क्या कुछ, उस दिन के बाद मैंने मैच देखना स्टार्ट कर दिया। तो हर गेम का महत्व अपने अपने पास है, तो अभी मेरे हिसाब से लोगों ने इतना प्यार किया है कि मुझे फ़र्क नहीं लगा कि मैं कोई मतलब एक छोटा सा रेसलर हूँ या मैं कोई क्रिकेटर हूँ।
तो इतना प्यार दिया है, यहाँ तक पहुँचाया, तो वो बड़ी बात है। आपने कहा जैसे कि आप छोटे से रेसलर हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरीके से सलमान आपकी पूरी जर्नी को बिग बॉस में बताया था कि आपको कितने अवार्ड मिले, उसके बाद लोगों का रवैया, शायद लोगों ने आपको बहुत अच्छी तरीके से जाना और ऐसे लोग आपको इस तरीके से जानते थे कि आप बायल के बॉयफ्रेंड है जो बिग बॉस में गए हैं, सलमान के पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद आपने कितने अवार्ड जीते हैं भारत के लिए? पता क्या एक्चुअली वो कोई कहते थे कि पायल देखो मेरे साथ में है, और मेरे हिसाब से एक औरत को भी एक इज्जत एक इंसान दिलाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता तुम हंसता था, और इज्जत है ना, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत आपको अन की जाती है। अब भी दस मेरे लिए कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, बाहर जिंदगी में एक स्माइल देता हूँ, चल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अर्थराइटिस से उठ के किस तरह, मतलब अर्थराइटिस था, मैं अपने पैर खड़ा नहीं हो सकता था, किस तरह उठ के मैं कोशिश की है एक एक कदम रखने की। जब रनिंग करता था पैरों में शू नहीं होते थे, मतलब 10-15 किलोमीटर जाता था, मेरे पास इतना मतलब वो नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे कि मैं वो कर लूँ, तो हर चीज़ मैं बैठ के यही सोचता था। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि देखो जो एक बिग बॉस के प्लेटफॉर्म तक आया, उसने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में काफ़ी अचीव किया है, और मैं आज भी ये समझता हूँ कि जीरो पे खड़ा हूँ, कोशिश करूँगा कि मालिक कुछ करे तो थोड़ा सा और अच्छा करूँ। आप सबको दौर की हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान जी करे आपके घर में इतनी खुशियाँ आएँ कि दुख और चिंता नामा शब्द ही ना हो। To watch more, subscribe to youtube.com/teletalkindia.